हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका वीएचयू पाठशाला में। मैं आरती रानी आपकी होम साइंस मेंटर सीयूईटी की। तो मैं और आप मिलके काम करेंगे इस सफर में और मैं आपको पूरा तैयारी दूंगी कि आप अपना बेस्ट दे सके। जहां पे आप स्टैंड करते हैं वहां पे आप स्टैंड कर सके, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी बैच शुरू हो गई है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने अपने भी ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करें कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो और हम एक सीयूटी की एक प्रॉपर प्रिपरेशन में हम आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, आपको क्वेश्चंस आपके सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ हूँ इस प्रिपरेशन में और मैं आपके साथ इस चीज की एक बार और प्रिपरेशन करूंगी, ठीक है। तो पहला हम क्या यूनिट 2 कवर करेंगे आज, कॉन्सेप्ट ऑफ होम मैनेजमेंट, ठीक है। तो होम मैनेजमेंट क्या होता है? एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होता है किस चीज का? टू क्रिएट अ वेल फंक्शनिंग एंड कंफर्टेबल लिविंग एनवायरमेंट। एक वेल फंक्शनिंग और एक कंफर्टेबल लिविंग एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए जो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच हम करते हैं हमारी डेली लाइफ में, हमारी हर चीजों में, उसको क्या कहते हैं? होम मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या क्या टास्क इन्वॉल्व करता है? बजटिंग हो गया, हम एक बजट सेट करते हैं, मील प्लान करते हैं हम कि किसको क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग एक मील प्लानिंग करते हैं हम एक बेटर मैनेजमेंट के लिए। क्लीन करते हैं, घर क्लीन नहीं होगा तो मैनेजमेंट अच्छा होगा नहीं, ठीक है। ऑर्गेनाइज करते हैं, हर एक चीज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि एक बेटर मैनेजमेंट, एक बेटर होम क्रिएट हो सके, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम बैलेंस मेंटेन करते हैं फैमिली मेंबर्स की नीड्स पे। नीड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया कि किसकी क्या नीड्स हैं, हम एज एन इंडिविजुअल हम हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, हमें सब फैमिली मेंबर्स की नीड्स को ध्यान देना है, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। अगर बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ तो एक प्रॉपर होम मैनेज नहीं हो सकता, ठीक है। सक्सेसफुल होम मैनेजमेंट क्या क्या रिक्वायर? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, बात ही नहीं होगी तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना है, देखना है कि किसकी क्या नीड है, किसकी क्या वांट्स है, कौन क्या चाहता है, कैसे चाहता है, उनको बताना कि प्लान क्या आपने किया है, उनको उनका रोल देना। एवरीथिंग कम्स विथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत हर चीज में, अगर आप कोई भी काम करो, अगर टाइम मैनेज नहीं करा आपने तो कोई भी काम सही नहीं हो सकता, स्मूथली नहीं हो सकता। एक स्मूथ होम मैनेजमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे तो उसको कैसे अडॉप्ट करना है, उसके हिसाब से कैसे अपनी प्लानिंग चेंज करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीजों को, कैसे इवैल्यूएट करके कंट्रोल करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है व्हेन यू आर मैनेजिंग, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। टू इंश्योर अ हार्मोनियस एंड एफिशिएंट होम लाइफ, एक एफिशिएंट होम लाइफ के लिए, एक हार्मोनियस होम लाइफ के लिए ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, वो चलता रहता है, कभी रुक नहीं सकता। ऐसा नहीं कि रिजल्ट मिल गया हमें, रिजल्ट मतलब हमें जो गोल अचीव करना है वो मिल गया तो हमने छोड़ दिया, नहीं। उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। सेकेंड हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हम कैसे अचीव करते हैं अपना गोल विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्स हमारे पास है उससे हमें कैसे अपने गोल्स को अचीव करना, दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, ठीक है। मैनेजमेंट एक ऐसा, मतलब हमें एक ऐसा प्लानिंग करना है, ऐसे ऑर्गेनाइज करना है चीजों को ताकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसी के साथ हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। ओके, सोशल प्रोसेस होता है, ये होता है, ये नहीं कि हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, नहीं, टीम वर्क है, ठीक है। मैनेजमेंट है टीम वर्क के जैसा होता है, हमें हर तो सबको मिल करके काम करना होता है ताकि एक प्रॉपर होम मैनेज हो सके। ये हमारा डेमो क्लास था, तो हम ऐसे ही आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आप मेरे से कभी भी आके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो प्लीज ज्वाइन करिए और हमारे साथ ज्वाइन होइए इस बैच के लिए, इस सीयूईटी के लिए, ताकि हम और आप मिलके एक बेटर फ्यूचर प्लान कर सके और एक बेटर लोगों को तैयार कर सके ताकि वो हमारे
बीएचयू में या फिर और भी कॉलेजेस जो किसी यूएच से रिलेटेड है उसमें एक बेटर आपको ऑप्शंस मिले, आप वहां पे जा सके, जो आपका एम है वो आपको मिल सके. थैंक यू.